अगर आपने डंकर्क मूवी देखी है तो ये सीन तो आपको याद ही होगा। इस सीन में कुछ डाइविंग बॉम्बर्स डाइविंग करते समय एक सायरन की आवाज निकालते हैं। ये प्लेन्स नाजी जर्मनी के ग्राउंड अटैक यूनिट से थी, जिन्हें 1935 में हरमन फॉलमन ने डिजाइन किया था। इनका नाम जंकर्स JU-87 रखा गया, पर ये प्लेन्स स्तुका के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुई। इन प्लेन्स का नाम जर्मन वर्ड स्टोत्सकम फ्लुगजग स्तुका के आधार पर रखा गया, जिसका मतलब डाइविंग बॉम्बर्स होता है। वो अजीब सी सायरन की आवाज इनके मेन लैंडिंग गियर पर लगे वुडन प्रोपेलर से आती थी, जिन्हें रैम एयर सायरन या जेरिको ट्रम्पेट भी कहा जाता था। जब भी पायलट्स प्लेन को किसी टारगेट पे डाइव कराते थे तो स्पीड ज्यादा होने की वजह से प्रोपेलर्स हाई स्पीड से घूमने लगते थे और सायरन की आवाज निकालते थे। इस आवाज से स्तुका पायलट्स एनिमी साइड के ग्राउंड यूनिट्स को खौफ में डालकर नाजी जर्मनी का शक्ति प्रदर्शन भी करते थे। एनिमी सोल्जर्स के पैनिक होने की वजह से प्लेन को कम से कम नुकसान होता था, लेकिन धीरे धीरे सोल्जर्स को इन सायरन्स की आदत पड़ गई और इनका प्रभाव कम होने लगा।